नमस्कार, स्वागत है आपका इट्स डिफरेंट विद आरजे के में। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, निधि अनारकर, जो कि को-फाउंडर और सीईओ हैं नव गुरुकुल की। ये कुछ कमाल का काम कर रही हैं। कमाल इसलिए क्योंकि ये हाई स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों को कोडिंग सिखाकर प्रोग्रामर्स बना रही हैं, उन्हें टेक वर्ल्ड में जॉब्स दिला रही हैं, और अब तक 600 से ज्यादा लड़कियों को, जो कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आती हैं, जो कि जेंडर और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का सामना करती हैं, उन्हें जॉब्स दिला रही हैं, उन्हें अपस्किल कर रही हैं नव गुरुकुल के जरिए। बहुत स्वागत है निधि आपका हमारे शो इट्स डिफरेंट विद आरजेके में। थैंक यू सो मच ऋचा, थैंक यू। निधि, नव गुरुकुल के जरिए आप उन बच्चियों को, उन स्कूल ड्रॉप आउट बच्चियों को कोडिंग सिखा रही हैं, प्रोग्रामिंग सिखा रही हैं, जो कि आमतौर पर बीटेक में 4 साल में होता है। तो क्या आप बीटेक की इंजीनियरिंग डिग्री जैसा उन्हें अपस्किल कर रही हैं? थोड़े हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए और इसका इम्पैक्ट क्या है। जी बिल्कुल, जी हाँ, हम स्टूडेंट्स को उसी चीज़ों के लिए, इन लड़कियों को जो हमारे साथ पढ़ रही हैं, हम उनको उन्हीं जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो जनरली स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग फिनिश करने के बाद लेते हैं। हमारे स्टूडेंट्स एक बार नवगुरुकुल से जब निकल जाते हैं, तब इंडस्ट्री में जाके बिगिनर लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स करते हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स, अलग अलग लैंग्वेजेस में, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टूडेंट सीखते हैं। और इंडस्ट्री में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे हम फोकस करते हैं, एंड देन वी आल्सो हम उन्हें प्लेस भी कर देते हैं। तो वही जॉब्स जो मैंने खुद ने इंजीनियरिंग किया है, वही जॉब्स इनके लिए, जब मैंने इंजीनियरिंग फिनिश किया था तब मैं अप्लाई कर रही थी, हमारे बच्चे उन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट भी हो जाते हैं। और कंधे से कंधा मिला के जिन्होंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है, हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ना ग्रेजुएशन किया, कभी कभी 12th भी नहीं किया है, वो लड़कियां वही जॉब्स में आगे बढ़ती हैं उन्हीं इंजीनियर्स के साथ। तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली? क्यों आपने सोचा कि नव गुरुकुल जैसा कोई संस्थान होना चाहिए जहां पर स्कूल छोड़ चुके बच्चों को अपस्किल किया जाए? जी, बहुत बचपन से आई थिंक एक देखा, एक तो खुद इंजीनियरिंग मैंने किया है और वहाँ से मैंने देखा कि इंजीनियरिंग कर लेना भी कभी कभी सफिशिएंट नहीं होता है। एक डिग्री मिल जाती है बट कभी कभी स्किल्स फिर भी रह जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे पढ़ाई करते हो, कैसी कॉलेज है, आपके कैसे प्रोफेसर्स हैं, आपके कैसे पीयर्स हैं, वहाँ पे क्या एनवायरमेंट है। उन कॉलेजेस के बावजूद लोग ग्रेजुएट होने के बाद स्किल्स ना होने की वजह से जॉब्स लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो देखा कि एक जो कॉलेज जा सकते हैं वो बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये कि सिस्टमिक फेलियर कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता है। बट जो बच्चे स्कूल्स भी कभी कभी फिनिश नहीं कर पाते हैं उनके इकोनॉमिक रीजंस की वजह से या बहुत सारे डिफरेंट एक्सेस टू फॉर्मल एजुकेशन में कहीं ना कहीं जहाँ लैक की वजह से वो फिनिश नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब मैंने जब ये इंजीनियरिंग में देखा, मैंने समझा कि ये सिर्फ बच्चों की स्किल्स की लैक या प्रिपरेशन की लैक की वजह से नहीं है, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। एंड मैंने देखा कि अगर मैं इंजीनियरिंग खुद से सीख सकती हूँ, मोर और लेस अगर आप अपनी स्किल्स खुद से ही बढ़ा रहे हो, तो क्यों नहीं ये बच्चे जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं गए सीख सकते हैं। और ये प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही देख सकते हो आप कि किसी को आता है या नहीं आता है, तो बिना डिग्री के भी हायरिंग किया जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अब बात कर रही हैं, US में काफ़ी कॉन्वर्जेशन है इसके अराउंड, के बिना डिग्रीज के भी ये जॉब्स ली जा सकती है। डिग्रीज के खिलाफ कुछ नहीं है, डिग्री भी कंप्लीट करनी चाहिए, बट मोटिवेशन ये था कि क्या हम एक एक्सेस टू दीज करियर्स उन लड़कियों के लिए कर सकते हैं जो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड है फ्रॉम वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेस। सॉरी, मैं थोड़ा लंबा जा रही हूँ, बट पॉइंट ये है कि क्या हम एक जॉब्स के लिए एक्सेस ऐसा बना सकते हैं लड़कियों के लिए जिनको जनरली ये नहीं मिलता है। इंजीनियरिंग में इवन फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड जो लड़कियाँ आती है इंजीनियरिंग जॉब्स में, टेक में रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आती हैं उनकी तो लगभग ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन रहती है। तो क्या हम कर सकते हैं थ्रू नवगुरुकुल जैसा प्रोग्राम इनको भी वही जॉब्स दे जो लेट्स से प्रिविलेज बैकग्राउंड से लगभग लड़कों को मिल जाती है वो जॉब्स।
तो नवगुरुकुल में कितना समय लगता है निधि इन बच्चों को जॉब रेडी करने के लिए, इन्हें अपस्किल करने के लिए और इन्हें प्लेस करने के लिए, और क्या यहाँ 100% प्लेसमेंट है? जी, हम लोग गारंटी देते हैं प्लेसमेंट्स की। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, ये स्टूडेंट्स उन बैकग्राउंड से आते हैं जिनके लिए ये चॉइस करना भी, हालांकि हमारा प्रोग्राम फ्री है, हम यहाँ पे एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें रहना खाना पढ़ाई लैपटॉप्स हमारे ओर से सब कुछ फ्री है, और हम गारंटी देते हैं स्टूडेंट्स को फिर भी जॉब्स की। ये गारंटी काफ़ी ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे कुछ बच्चे उन बैकग्राउंड से आते हैं कि जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, एंड जब वो पढ़ाई के लिए टाइम ऑफ लेते हैं उनकी फैमिली को वो वेज लेट गो करनी पड़ती है, तो उनका यहाँ पे हम रखे और फिर उनको हम जॉब्स ना दिलाए, ये हमें बिल्कुल जाया नहीं है। तो हम बिल्कुल गारंटी देते हैं जॉब्स की जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ाई करते हैं, अगर वो अपना मेहनत पूरी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और एक लर्निंग माइलस्टोन जो हम कहते हैं कि इतना तक अगर इन लोगों ने पढ़ लिया है तो हम उनकी डेफिनेटली जॉब लगवा देते हैं, और ये हम गारंटी देते हैं। यूजुअल टाइम लगता है अराउंड 12 months, 12 to 15 months। जैसे कोई एक लड़की अगर आज नवगुरुकुल आई, लेट्स से उसने 10th स्टैंडर्ड सिर्फ कंप्लीट किया है, तो विद इन 12 months हम उनको जॉब्स के लिए प्रिपेयर करवा देते हैं, जो जनरली फॉर्मल एजुकेशन में 10+2 मतलब 12th और +4 इंजीनियरिंग के बाद जो स्टूडेंट्स लेते हैं। और ये काफ़ी स्पेशल हमारी पेडागॉजी है जिसके थ्रू हम ये करते हैं, बट 12 to 15 months में हम स्टूडेंट्स को जॉब के लिए रेडी कर देते हैं, और फिर उनकी विद इन दैट पीरियड 12 months में रेडी हो जाते हैं, बाय 15 months उनकी जॉब लगवा देते हैं। निधि, आपने डिग्रीज की इम्पोर्टेंस की बात की, आप खुद हार्वर्ड से पढ़ी हुई हैं, उसके बाद आप किसी भी अच्छी एमएनसी में जॉब कर सकती थी, बहुत अच्छे पैकेज पर रह सकती थी, लेकिन आपने सोशल सेक्टर में काम और एजुकेशन, हाँ खासकर हायर एजुकेशन और अपस्किलिंग को क्यों चुना? सोशल सेक्टर का जवाब काफ़ी मेरे लिए नया भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हमेशा से एक ऐसा काम करना चाहा जिसमें एक पर्सनल मीनिंग हो। कोई भी इंसान अपने काम में काफ़ी समय लगाता है, अगर नंबर ऑफ क्यूम्युलेटिव आवर्स कैलकुलेट किया जाए तो वी एंड अप स्पेंडिंग काम में सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं हम। तो मेरे लिए हमेशा से ये बहुत ज़रूरी था कि मैं ऐसा काम करूँ जिसमें मैं खुश रह सकूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं दूसरों की खुशी के लिए कर रही हूँ, हाँ ये है कि ऐसा काम करने में जिसमें दूसरों की प्रगति हो उसमें मेरी खुशी है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। बहुत ही आसान सा है एमएनसीज में भी कंटिन्यू करना, बट एंड काफ़ी अच्छे काम वहाँ पे भी हो रहे हैं। मैं खुद में कॉर्पोरेट्स में काफ़ी सालों तक काम किया है, फॉर प्रॉफिट सोशल सेक्टर भी है, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज भी है, जिनका मेरा दूसरा एक एक्सपीरियंस इससे पहले था जिनमें हम फॉर प्रॉफिट में काम करते थे। तो सब बहुत अच्छी बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे किस तरह से मेरे लिए पर्सनल चॉइस हो गई थी ये कि किस तरह से हम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ला सके, तो हम जो नवगुरुकुल के मॉडल में काम कर रहे हैं अभी, रात को नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत क्लीशेड है कहना, बट जेन्युइनली जब से नवगुरुकुल पे काम कर रहे हैं इट इज वेरी जॉय गिविंग। तो चॉइस काफी आसान हो जाती है, सिंपल लिविंग है, जनरली खर्चे कम हैं, मतलब जनरली पसंद का, ऐसा नहीं है कि नवगुरुकुल में काम करने के लिए खर्चे कम हैं, जनरली पहले से ही कम है और वही पसंद है, तो इसलिए नवगुरुकुल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। निधि, बहुत सारे लोग आपकी तरह सोशल सेक्टर में काम तो करना चाहते हैं बट दे आर नॉट श्योर अबाउट सिक्योरिटी, अबाउट डूइंग समथिंग मीनिंगफुल एंड अर्निंग अ गुड लिविंग, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? दो चीज़ें हैं जिन जो हमारे साथ जुड़ते भी हैं, काफ़ी सारे लोग एक्चुअली फॉर प्रॉफिट से सोशल सेक्टर की तरफ आने के लिए नवगुरुकुल में जुड़ने लगे हैं, और काफ़ी सारे लोग जो सोशल सेक्टर से ही काम करते करते प्रोग्रेस हो रहे हैं वो भी इन्हीं क्वेश्चंस के सवाल, इन्हीं क्वेश्चन से अपनी पर्सनल लाइफ में डील करते हैं कि हम कैसे सिक्योरिटी के बारे में सोचें, कैसे लॉन्ग टर्म बैलेंस एक रखा जाए इन वर्क दैट यू फाइंड मीनिंगफुल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मेरे हिसाब से आंसर बैलेंस में है। मैं ये कभी किसी को नहीं कहती हूँ कि छोड़ दो
मत सोचो प्रैक्टिकल चीजों के बारे में, देखो ये काम कितना अच्छा है, क्या फर्क पड़ता है. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर एक इंसान अपनी खुद की एक बैलेंस शीट बनाए, अपनी खुद की एक्सेल स्प्रेडशीट बनाए, जिसमें देखे कि कितना वो खर्चा एंटिसिपेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनल नीड्स. अगर परिवार को फोकस, परिवार को सपोर्ट करना है, माता पिता को सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सपोर्ट करना है, तो उसके हिसाब से एक नंबर होता है सबका. अगर वो नंबर हमारे पास रहे तो हम सिक्योर फील करते हैं. फिर उस स्प्रेडशीट को अच्छे से देखें, समझें कि किसमें कितना इसमें से वो है जो मुझे सच में चाहिए, और कितना इसमें से वो है जो मेरी सच में ज़रूरत है, और कितना वो है जो हम कर रहे हैं बिकॉज हमें लगता है कि दुनिया हमसे ये चाहती है. कितने सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हम करते हैं, हमें सच में खुद में भी उसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता है बट हम करते हैं. तो एक ऑनेस्ट नंबर अगर हर एक इंसान निकाले तो सोशल सेक्टर में काफी ऐसी जॉब्स हैं, ना कि सिर्फ नवगुरुकुल में, बट काफी ऐसी जॉब्स हैं जो ये नंबर को सेटिस्फाई कर सकती है. तो वो बैलेंस निकालना एंड वो अपॉर्चुनिटीज को ऑप्टिमाइज करना बहुत पॉसिबल है. आई थिंक सोशल सेक्टर की अवेयरनेस जो फॉर प्रॉफिट में है उनको कम रहती है, बट आजकल सोशल सेक्टर में काफ़ी सारी जॉब्स इतना तो पे करती ही है कि आप हमें अपने आप को और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सको. मे बी उसकी जो कॉरपोरेट पैरल्स हैं वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना पे करते हैं. वो डिस्पोजेबल इनकम जिसको कहते हैं वो बढ़ा सकते हैं आपकी, वो शायद सोशल सेक्टर आपका ना बना सके, बट इनफ सिक्योरिटी कि आपकी आज की एज वेल एज बाद की नीड्स प्रोवाइड की जा सके. सोशल सेक्टर का एक क्लीशे है कि लोग अपनी नीड्स को मीट के बिना दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश करते हैं. मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है. किसी भी चेंज को लाने के लिए नवगुरुकुल में भी हम जो काम कर रहे हैं, हमें काफ़ी लंबा काम करना पड़ेगा जिस स्केल पे हम इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं. तो काफ़ी लंबी मैराथन्स होती है इनके लिए. अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए अपनी नीड्स टेक केयर करना बहुत पॉसिबल है अगर ये मैथ किया जाए. एंड आई इनवाइट एवरीवन टू लुक इनटू दिस. इसके रिसोर्सेज हैं, हम शेयर भी कर सकते हैं. तो या निधि, आप सीईओ भी हैं नव गुरुकुल की, तो एज अ सीईओ, एज अ को फाउंडर, आप क्या कहना चाहेंगी? व्हाट इज योर सक्सेस सूत्र? Discipline is something that I feel helps a lot. काफ़ी आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन से अगर आप अपना जो भी आप करना चाह रहे हैं अगर करते रहते हैं, बाइट बाय बाइट हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम ओवर एस्टिमेट करते हैं हम 1 साल में क्या कर सकते हैं, और अंडर एस्टिमेट करते हैं 10 साल में क्या कर सकते हैं. तो एक लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन से अगर हम अपना काम करते रहे विथ क्लैरिटी, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. दिस डिसिप्लिन इज सेकेंड टू वेरी गुड क्लैरिटी एंड पैशन. अगर आप सच में किसी चीज़ को एक चेंज देखना चाहते हो तो अपना विजन अगर उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर बनाते रहें, इसके बारे में ज़्यादा सोचते रहें, ज़्यादा पढ़ते रहें, ज़्यादा लोगों से इसके बारे में बात करते रहें, बिना डरे कि कोई मेरा आइडिया ले लेगा, बिना डरे कि कोई मुझे जज करेगा, जितना हम क्लैरिटी बिल्ड करते हैं चीज़ों में, दैट डेफिनेटली हेल्प्स अस bring the discipline, bring the depth. So I would just say keep seeking the clarity jahan pe bhi aapka passion hai, and long run discipline build kijiye, and I think it's very doable. So Nidhi, talking about making girls job ready, aapka experience kya hai? Kyunki aisi bahut sari stories hongi जहाँ पर लड़कियाँ बहुत मुश्किल हालात में सब छोड़ के आपके पास आई हैं और आज उनकी जिंदगी बदल गई है. कुछ ऐसा वाक्य आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? बहुत सारी कहानियां हैं. फॉर एग्जाम्पल, भाग्यश्री करके एक लड़की पुणे से हमारे साथ हमारे पुणे वाले कैंपस में जुड़ी थी. हमारे 7 अलग अलग कैंपसेज हैं अक्रॉस द कंट्री. हर मदर इज समवन जिसने एक मेड की जॉब करके उसको और भाग्यश्री और उसके भाई बहनों को बड़ा किया है. घर में थोड़ा डोमेस्टिक अब्यूज़ और वायलेंस का एनवायरनमेंट रहता था. तो जब भाग्यश्री हमारे पास आके जुड़ी भी थी, तब एक क्लियरली दिखता भी है कि कोई बच्ची सहमी सी है किसी चीज़ को लेके. तो ये काफ़ी कॉमन है एक्चुअली. काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे ना कि सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस है घर में, बट कुछ अलग तरह के दूसरे क्राइसिस भी रहते हैं घरों में जो बच्चे डील करते हैं, और डील करते हुए ही बड़े हुए हैं.
डेफिनेटली काफी मुश्किल हालातों से ये बच्चे आते हैं। तो जब नव गुरुकुल में भी आते हैं थोड़ा टाइम लगता है उन्हें अपने एनवायरमेंट्स में सेट होना, किसी और को ट्रस्ट कर पाना, जब जबकि बोला जा रहा है उन्हें क्लियरली कि आपकी जॉब हम लगवा देंगे और वो अपने एलमनाई अपने सीनियर्स की स्टोरीज देखते भी हैं, बट एक फिर भी भरोसा कर पाना एंड एक रिलैक्स की सांस ले पाना यूजुअली हमारे स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं होता है गिवन द बैकग्राउंड दैट दे कम फ्रॉम। पर अच्छी बात यह है कि जब मेहनत करने लगते हैं, जब रास्ते सॉर्ट ऑफ लाइक एक अपना रास्ता पकड़ लेते हैं तो आगे बढ़ने के लिए अब ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं गिवन द काइंड ऑफ जॉब्स दैट आर अवेलेबल। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत प्रोएक्टिवली इन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है। वी वर एबल टू प्लेस भाग्यश्री इन अ कंपनी कॉल्ड NatWest, जो पहले रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड थी, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका टेक्नोलॉजी सेंटर इंडिया में काफ़ी बड़ा है। दे ऑफर्ड भाग्यश्री पहले 6 months का उन्होंने इंटर्नशिप दिया जिसमें भी शी वॉज गेटिंग पेड वेरी वेल, एंड देन आफ्टर दैट 6 months शी गॉट प्लेस्ड फॉर 5 lakh पर एनम का एक जॉब जो उनके लिए काफ़ी ड्रीम कम ट्रू जैसा है, एंड दे हैव बीन इन दैट जॉब फॉर नाउ 4-5 months ऑल्सो। इसके अलावा NatWest ने काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की है, थिंग्स लाइक 2.5 lakhs पर ईयर का उन्होंने एक पैकेज बना के दिया है इन स्टूडेंट्स को अपना अगर ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना है, जो काफ़ी ज़रूरी है। मैं रिपीट करूँगी उस चीज़ के बारे में। एंड देर इज अ लॉट ऑफ अदर सपोर्ट लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दीज स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन दीज कंपनीज, एंड द कंपनी इज गोइंग अबव एंड बियॉन्ड टू मेक श्योर दैट people from various different backgrounds are able to join their organizations and are supported and progress well. तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, ऑल द 600 स्टूडेंट्स जिनको हमने प्लेस किया है, जो जिन लड़कियों को हमने प्लेस किया है, सबकी कुछ ना कुछ अलग कहानियाँ हैं। कुछ लड़कियाँ जो 3-4 साल से प्लेस हो गई हैं, आज 12-15 लाख 18 लाख पे भी कुछ स्टूडेंट्स पर मंथ काम कर रहे हैं, पर ईयर के पैकेजेस पे काम कर रहे हैं और अपने लिए अपने फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना पाए हैं, विच इज़ वेरी नाइस टू सी, वेरी ग्रेटिफाइंग टू सी। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी सुनकर कि ये बच्चियाँ अपस्किल होकर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवार रही हैं बल्कि अपने परिवारों को भी उठा रही हैं। निधि, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगी आज के यूथ को जो कि इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं? इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी व्हेन हमारे काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछने आते हैं, क्या हमसे ये हो पाएगा, क्या हम ये कर पाएंगे। अपने आप को सेल्फ डाउट में देखना कॉन्स्टेंटली बहुत कॉमन है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है। बट हाँ, ये भी कहूँगी कि मोर देन एवर बिफोर फॉर्चुनेटली आज दुनिया ऐसी है कि कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी, शायद सबके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, शायद सबके लिए हम भी शायद एट स्केल ये काम ना कर पाएं, बट जो सच में करना चाहते हैं एक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं ऐसे सोल्यूशंस, ना कि सिर्फ नव गुरुकुल बट दूसरी संस्थाएं भी कुछ कुछ अलग अलग फील्ड्स में काम कर रही हैं, जो एक जिनकी ज़रूरत है, जो जो बेनिफिशियरी है उनकी सारी नीड्स को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। तो आप यूथ के मैं बोलूँगी कि रीच आउट टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे जुड़िए। हेल्प आप जितना मांगोगे इतना आसान नहीं है, बट कहीं ना कहीं से एक अच्छा हेल्प मिल जाना जिसकी वजह से एक नया दरवाज़ा खुल जाना, जिसकी वजह से एक नई लाइफ की दिशा खोल पाना पॉसिबल है। जैसे कि आज हमने हमारे जो जिन स्टूडेंट्स के साथ, जिन कम्युनिटीज़ के साथ हम काम करना चाहते हैं उनकी सारी नीड्स को अगर हम टेक केयर करें तभी जाके हम एक फाइनल लाइफ आउटकम उनके साथ देख सकते हैं। तो हम हर एक जर्नी मैपिंग, उनका अगर सर्टिफिकेट का इशू है तो हम उस पर सॉल्व करते हैं कि अच्छा हमने 10th स्टैंडर्ड बेयर मिनिमम क्राइटेरिया कर दिया है तो उसको हम जॉब ले देते हैं। इकोनॉमिक इशू है तो वी टेक केयर ऑफ थिंग्स के सब कुछ फ्री कर दिया है। एग्जाम्स के लिए हम स्पेशल लीव्स देते हैं ताकि उनकी डिग्री से उन्हें छोड़ना ना पड़े, ताकि वो भी आगे बढ़ते रहे। काफ़ी सारी मेडिकल हेल्थ नीड्स जो रहती हैं, कुछ और इंटरपर्सनल इशूज अगर फैमिली में चल रहे हैं तो वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट सपोर्ट्स टू आवर स्टूडेंट्स। तो ये पॉसिबल है, मुश्किल है, आसान नहीं है, बट अगर कोई सच में यूथ है जो ये सुन रहा है, माई मैसेज टू देम वुड बी रीच आउट, डू योर बिट, आप जुड़िए कुछ इन संस्थाओं से एंड ये संस्थाएं पूरा काम करेगी टू मेक श्योर दैट आपका एक पूरा एक लाइफ आउटकम चेंज किया जा सके। तो कीप एट इट, मुश्किल है, बिलीव रखना। कुछ साथ ही कुछ करियर टिप निधि, आपने एक बहुत अच्छा करियर अपने लिए बिल्ड किया है, कुछ करियर टिप्स आप देना चाहेंगी?
जी बिल्कुल, आई थिंक कॉन्स्टेंटली बीइंग कम्युनिकेटिव जो एक सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड है, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर नवगुरुकुल स्टूडेंट्स, आई थिंक सारे ही युवाओं के लिए मेरा ये एक मैसेज रहता है कि बीइंग प्रोएक्टिव इन योर कम्युनिकेशन, बीइंग क्लियर इन योर कम्युनिकेशन, ऑनेस्टली बट प्रोडक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली अपनी बात एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी आप कर रहे हो वहाँ पे रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, प्रोग्रेस के लिए काफ़ी यूज होता है. बीइंग एबल टू नेविगेट किसी भी एक वर्क एनवायरनमेंट में जहां आप काम कर रहे हो, टू कीप प्रोग्रेसिंग, द सॉफ्ट स्किल्स आर जस्ट एज नीडेड, समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द टेक्निकल स्किल्स. एक बार जॉब लग जाए, बेयर मिनिमम टेक्निकल स्किल्स हों आपके पास, तो उनको आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें. इस पर जितना हो सके अपना खुद का डेवलपमेंट करें, बहुत काम आती है लाइफ में. थैंक यू सो मच निधि, वी विश यू ऑल द बेस्ट. नव गुरुकुल में बहुत सारे और बच्चियों को अपस्किलिंग और जॉब्स मिले और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो पाए, ये हमारी कामना है. और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस काम को आगे ले जाने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू रचा. थैंक यू फॉर हैविंग मी. इट्स डिफरेंट विद आरजेके के आज के शो में इतना ही. यहाँ पर हम उन शख्सियतों को ढूंढ कर लाते हैं जो जिंदगी में कुछ कमाल कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, जिससे हम सब कुछ सीख सकते हैं और समाज में कुछ बदलाव आ रहा है. अगर आप ऐसी किसी शख्सियत को जानते हैं जिससे हमें बातचीत करनी चाहिए, तो ज़रूर अपने सुझाव और फीडबैक हमें भेजें. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें सोशल मीडिया पर भी हमारे हैंडल्स पर फॉलो कर हमें फीडबैक दे सकते हैं. और हाँ, हमारे YouTube चैनल अच्छी खबर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नमस्कार.